हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये पोएम पढ़ा दी थी, तो अब इसका सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। इन दिस सोनेट, अब सोनेट तो आप जानते हैं, सोनेट क्या होता है? पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ठीक है, सोनेट क्या हो गया? पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ठीक है, तो इन दिस सोनेट, इस सोनेट में, और सोनेट का नाम क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस द पोइट जॉन मिल्टन, और पोइट कौन है? जॉन मिल्टन। एक्सप्रेसिज होता है व्यक्त करना, हिज ग्रीफ, अपना दुख। यानी इस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कवि जॉन मिल्टन अपने ग्रीफ होता है दुख को व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस करना क्या होता है? व्यक्त करना, ओवर हिज प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस। अब प्री मैच्योर क्या मतलब? टाइम से पहले ही उन्हें ब्लाइंडनेस हो गई थी, यानी वो अंधे हो गए थे। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है या 90 वर्ष होती है, लेकिन वो क्या, जब 44 साल की उम्र में अंधे हो गए, तो वो क्या है, वो टाइम पीरियड क्या, उनकी आधी लाइफ में ही वो अंधे हो गए। इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, इट इज़ ए कंप्लेन टू गॉड फॉर दिस इनजस्टिस। और ये पोएम क्या है? एक कंप्लेन थी, यानी एक शिकायत थी। किससे? ईश्वर से। कंप्लेन हो गई, शिकायत थी ईश्वर से। किससे? फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए। यानी वो कहते हैं कि ये आपने अन्याय किया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? एक शिकायत है। ही थिंक्स ही विल नॉट बी एबल टू यूज़ हिज पोइटिक टैलेंट। वो सोचते हैं कि वो अपना पोइटिक टैलेंट, क्या होता है, जो कवित्व गुण है उनके अंदर, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। किस में? इन द सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा में। अब वो कह रहे थे जो मेरे अंदर एक क्वालिटी थी, कि जो कवित्व गुण था मेरे अंदर, उसका प्रयोग मैं आपकी सेवा में नहीं कर सकता। वट सून ही रियलाइजेस, लेकिन वो जल्द ही रियलाइज़ करते हैं, अनुभव करते हैं, डैट की द बेस्ट सर्विस टू गॉड, कि ईश्वर की सबसे अच्छी सर्विस यानी सेवा है, क्या है? टू बियर द मिस फॉर्चून। बियर होता है सहन करना, मिस फॉर्चून होता है उसके दिए हुए कष्टों को, एंड सफरिंग्स, और उसकी जो दुख दर्द होते हैं उन्हें, ऑफ लाइफ, जीवन के, विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत किए। तो वो क्या है, वो बाद में इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि ईश्वर के दिए हुए जो दुर्भाग्य हो, चाहे परेशानियां हो, उन्हें बिना शिकायत के सहन करना ही ईश्वर की सेवा है। दीज आर गिवन टू अस बाय गॉड, और ये सब हमें ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? टू टेस्ट अवर पेशेंस, हमारे धैर्य को चेक करने के लिए। ठीक है, सो वी शुड हैव डीप फेथ इन गॉड, इसीलिए ईश्वर में हमें पक्का विश्वास रखना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड।